सपने कैसा लग रहा है? और इस सपने को हमारी शादी हकीकत में बदल सकती है। सुनो, मैं दूसरे वकीलों के साथ कुछ दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने से पहले तुम अपनी बहन को हमारी प्रेम कहानी सुना देना, ताकि वो फौरन मेरी माँ से मिलकर शादी की बात पक्की कर दे। और जब मैं लौटूंगा, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और दरवाजे पर शनाइयां बज रही होंगी और मैं दुल्हन के लिबास में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ ललिता, अब तो बस एक ही तमन्ना है कि जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूं। वाह, कितनी मधुर और मीठी आवाज है इसकी। ये सब उसकी लीला है। गरीबी के दलदल में भी वह ऐसे सुंदर और पाक दामन कमल खिलाता है। भाई, अब मैं ये चाहती हूँ कि सुबह शाम ये आवाज, इसके गाए हुए भजन इसी घर में सुनाई दे। मैं इसे सदा अपने पास रख लूं। यही बात करने के लिए मैंने आपको तकलीफ देकर यहाँ बुलवाया है। आपका मतलब है कि मैं जानकी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल? मुझे तो खुशी के मारे शब्द नहीं मिल रहे हैं। अगर जानकी इस घर में आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस घर में एक देवी की स्थापना हो गई। लेकिन भाभी, एक बार राम से पूछ लीजिए। अरे उसे क्या पूछना, उसे इतराज हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है, वो भी उसे बहुत पसंद करता है। तो फिर देर किस बात की, फौरन फौरन शादी की तारीख निकालिए। बाकी सब जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा, सब काम मैं संभालूंगा। जानकी, मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। हम राम की शादी तय कर रहे हैं। कितनी दूर दूर से उसके रिश्ते आए हैं और क्या क्या दहेज देने को तैयार हैं लोग, जमीन जायदाद जेवर दौलत। लेकिन मैं उन सब चीजों की लालची नहीं हूँ। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे बेटे का ख्याल रखे, जो हमारे खानदान की इज्जत को सदा सलामत रखे। और इस गांव में वैसी लड़की सिर्फ एक ही है, और वो हो तुम जानकी। अगर तुम हाँ कह दो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। कहीं इनकार मत कर देना जानकी। माँ जी, क्या मैं गरीब वाके इतनी खुशकिस्मत हूँ? ये तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं, बल्कि खुशकिस्मत तो हम हैं कि हमें ऐसी बहू मिल रही है जो अच्छे गुणों का दहेज लेकर हमारे घर आ रही है। दीदी, तुम कुछ कहना चाह रही थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही है। कमाल है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करें तो घर में कोई नया आदमी आता है। दीदी, तुम कुछ कहना चाहती थी ना, बोलो। हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहती हो ना, तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। तुम बोलो, तुम पहले। तुम? मैं नहीं बोलूंगी, पहले तुम ही बोलो ना। हे राम, तुम छोटी हो, मेरी लाडली हो, पहले मौका तुमको मिला चाहिए। हे कृष्णा, ये कौन सी किताब में लिखा है, पहले बड़े फिर छोटे। तुम बोलो। तुम बोलो ना, क्या बात है? दीदी, ऐसे तू तू मैं सारी रात गुजर जाएगी। एक काम करते हैं, रुपया उछालते हैं। अगर चित आया तो तुम बोलोगी, बताया तो मैं बोलूंगी। मंजूर? मंजूर। ओके। रुपया उछालू, एक दो
अब क्या हुआ? देख, अगर मुझे पहले बोलना पड़ा तो मैं तुझसे आंखें मिलाकर नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए तुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और अगर मुझे बोलना पड़ा तो तुम्हें भी आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझसे भी नहीं बोला जाएगा। अरे ये रुपया कहाँ गया? कहीं बस तो नहीं गया? पता नहीं कहाँ चला गया। देखो एक काम करते हैं, तुम बड़ी हो, तुमको ही पहले बोलना पड़ेगा। नहीं ऐसे कैसे? ऐसे वैसे नहीं, चलो बोलो ना दीदी। लो मैंने आंखें बंद ही कर ली, बोलो ना। ललिता मैं जल्दी बोलो ना दीदी, मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह, सच? वेरी गुड। कौन है वो खुशकिस्मत? और कोई नहीं, वो है राम बाबू। हाँ ललिता, पार्वती चाची ने कल मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा, मैं कैसे इनकार कर सकती थी। मैंने हाँ कर दी। दरअसल ललिता तुम्हें नहीं मालूम, मैं खुद उन्हें बेहद चाहती हूँ, दिल ही दिल में उनसे प्यार करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, और उनके रवैया से लगता है वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। सच पूछो तो उनको देखने के बाद ही मेरे दिल में शादी की इच्छा पैदा हुई है। अक्सर मैं ये सोचा करती थी अगर जीते जी मैं उनकी ना बन सके तो मैं किसी की ना बन सकूंगी, अपनी जान दे दूंगी। बस अब उनके आते ही पार्वती चाची हमारी शादी की तारीख पक्की कर देगी। ले मैंने अपने दिल की बात सुना दी, अब तू बोल, तू क्या कहना चाहती थी? हमने ये शर्त रखी थी ना दीदी, एक अपने दिल की बात सुनाएगा तो दूसरे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। बोलो तुमने अपनी आंखें बंद कर ली? हाँ बंद कर ली। अब बोलो। दीदी तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही। तुम बहुत भाग्यवान हो दीदी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जिसे तुम मन में पूछती रही वो तुम्हें मिल गया, वरना इस संसार में तमन्नाएं मन में जन्म लेती हैं और मन में ही मर जाती हैं। तुम किस्मत वाली हो दीदी, तुम्हें अपनी पसंद का पति मिल रहा है जो अच्छा इंसान है और अच्छे दिल का मालिक है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए और तुम सारी जिंदगी सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। मेरी तारीफ तो बंद कर, पहले ये बता तुम उसे क्या कहना चाहती थी? मैं ये कह रही थी दीदी कि प्रिंसिपल साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे रिजल्ट के बाद कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी देंगे। सच? ललिता तू कॉलेज में पढ़ाएगी? आज मैं कितनी खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर समाज के एक ऊंचे मुकाम पर बिठा तो सकी। ललिता जीती जी उनकी ना बन सकी तो मैं किसी की ना बन सकूंगी, अपनी जान दे दूंगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
क्या करूं मैं? ललिता ये देख, तूने रात जो रुपया उछाला था वो यहाँ पड़ा है भगवान की तस्वीर के सामने, और वो भी पट पड़ा हुआ है। पहले बोलने की तेरी बारी थी, जबरदस्ती तूने मुझे पहले बोलने पर मजबूर किया। मजबूर करने वाली मैं कौन हूँ दीदी? खुशी और मजबूरी तो मुकद्दर की बात होती है। भगवान ने तुम्हें पहले बोलने का मौका दिया क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, मैं कॉलेज जाती हूँ, सर्टिफिकेट लाना है। धीरे से जाना, खटिया ना मैं होए भावरा। आओ ललिता, तुम यहाँ? मैं जाग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, हकीकत है। आओ, तुम गांव से चलकर इस शहर में मेरे घर में मेरे पास आई हो, किस लिए? मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे? पूछो पूछो पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई? शादी? हाँ, करोगे मुझसे शादी? ललिता, हो सकता है मैं देखने में बेवकूफ लगता हूँ, पर इतना भी बेवकूफ नहीं कि जो तुम कहती जाओ वो मैं मानता जाऊँ। मैं बहुत हरामी और सुअर आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। तकदीर मुझसे खेल रही है कमेश, जो तकदीर के हाथों खिलौना बन जाए वो किसी से क्या खेलेगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या... आगे एक शब्द नहीं बोला। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ललिता। तुम बोलो तो मैं पुल से कूद के दरिया में जान दे दूँ, तुम बोलो तो मैं छत से कूद के नीचे जान दे दूँ, तुम बोलो तो मैं सोडे की बोतल के अंदर घुस के जान दे दूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ललिता। मगर एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन लो कामेश, मैं तुमसे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, और ना ही तुम मुझसे मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पूछोगे। आओ, मुझे सिर्फ फूल की खुशबू से मतलब है। फूल लगाया किसने, उसे पानी किसने दिया, उसका मालिक कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं ललिता। मुझे सिर्फ तुम्हारे आने वाले कल की परवाह है, जो गुजर गया उसकी नहीं। दोनों ने शादी कर ली? ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है ना ललिता? नहीं, ये सच है दीदी। आज से हम पति पत्नी हैं। खबरदार, जो दोबारा ये शब्द तुम्हारे जबान पर आए तो ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता, ये तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। ये झूठ है, गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मत मानो जानकी, तुम्हारे माने ना माने से हमारा ये रिश्ता नहीं टूट सकता। हम दोनों ने ये शादी भगवान के सामने की है। चुप रहो, अगर तुम ये कहोगे कि भगवान गवाह है तो मैं ये कहूंगी वो भगवान ही नहीं है। ललिता, उतार दो इस मंगलसूत्र को और मुंह पर मारे इसके, नहीं तो मैं इसे नाच कर फेंक दूंगी। नहीं दीदी, अब ये नहीं हो सकता। और जिंदगी में मंगलसूत्र एक ही बार पहनती है जब वो सुहागन बनती है, और एक ही बार उतारती है जब उसका पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। इस मंगलसूत्र को उतारने का किसी को हक नहीं ललिता। ए, क्यों चिल्ला रही है इस पर? तुझे क्या अधिकार है इसको डांटने का? ये मेरी पत्नी है। पत्नी? और वो भी तुम्हारी? इस दुनिया में कितनी भी गिरी हुई लड़की हो वो भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। मेरे जीते जैसे नहीं हो सकता। मेरी ललिता को तुमने डराया होगा, धमकाया होगा, मजबूर किया होगा कि वो तुमसे शादी कर ले, वो
सामने मेरे पति का अपमान नहीं कर सकती। जो कुछ हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, इन्हें मैंने पति स्वीकार कर लिया, लेकिन किस मजबूरी में आकर तुमने इसे स्वीकार किया? तुम्हें शादी करनी थी तो तुम मुझसे कहती, या तुम्हें शक था कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी, या इससे बेहतर लड़का ढूंढकर मैं नहीं ला सकती थी? मैं मर गई थी क्या? ललिता, तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे बताओ ललिता, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। तुम रो इसलिए रही हो कि तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। तुम जल रही हो कि तुमसे पहले मेरी शादी हो गई ना? बड़ी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम मुझे एक बच्चे की तरह डांट रही हो। अब मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ। पढ़ लिखकर मुझे ये समझ आ गई है कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए और किससे शादी करनी चाहिए। देखो, तुमने मुझे पाल पोस कर पढ़ा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान हमेशा मानती रहूंगी। तुमने मुझे पढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी की हर जरूरत पूरी की, इसके लिए मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। मगर शादी कोई पालना पोसना पढ़ाई लिखाई नहीं, ये हर एक इंसान का अपना जाती मामला होता है, और उसका फैसला करने का हक भी सिर्फ उसी को होता है और किसी को नहीं। और मेरे जाती मामले के बारे में पूछने वाली तुम कौन होती हो? क्या कहा तुम मुझसे कहती हो कि मैं कौन हूं? ललिता, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? ललिता, मैं वो हूं जिसने तुझे सारी जिंदगी माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, जिंदगी के हर दिन को जलाया तेरे भविष्य में रोशनी भरने के लिए, जिंदगी का हर सपना, हर अरमान, हर आरजू तुझे बना रखा था। और मुझे पूछती है कि मैं कौन हूं? ठीक है, आज से मैं भी नहीं जानती हूं कि तुम कौन हो। चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल ललिता से मिलती है, आत्मा किसी और की लाए हो। वो ललिता जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरी बहन थी, तो वो नहीं हो। वो ललिता मर गई। चले जाओ, निकल जाओ यहां से। मुझे अपनी उस ललिता की मौत पर आंसू बहाने हैं। नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई बात नहीं पूछूंगा, क्योंकि जब तुम जानकी को नहीं पहचानती तो मुझे क्या पहचानोगी? मैं तो फिर भी गैर इंसान हूं। लेकिन एक बात साफ सुन लो ललिता, तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो मैं अब तक उसे जान से मार चुका होता और अपने आप को भी खत्म कर चुका होता। कमेश, सारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे बहुत पहले तुम्हारी जायदाद का हिस्सा देकर तुम्हें इस गांव से अलग कर देना चाहिए था, ताकि इस बच्ची की जिंदगी बच गई होती। लेकिन बहुत देर हो गई। जी तो अब भी चाहता है कि मैं तुम्हारा खून करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके सारे गांव में बहा दूं,
ताकि गांव वाले जो मुझे रघुवीर चाचा कहते हैं उन्हें पता चले कि रघुवीर के दिल में गांव वालों के लिए कितना जज्बा है, कितना प्यार है। लेकिन ऐसा कर नहीं सकता, मजबूर हूं, क्योंकि देवी समान इस बच्ची की बहन को मैं विधवा नहीं करना चाहता। इसलिए इससे पहले कि मेरे हाथ तुम्हारे खून से नापाक हो, चला जाओ यहां से। तुम्हारी जायदाद का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। कल सुबह ही गांव छोड़कर चले जाना और कभी लौट कर मत आना। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। और सुनो, कभी कभी इत्तेफाक से अगर तुम्हारा इस गांव से गुजर हो तो बस से कदम उतारने से पहले यह मालूम करना कि रघुवीर जिंदा है या मर गया। और अगर रघुवीर के मरने की तुम्हें खबर मिले तब इस गांव की धरती पर कदम रखना, वरना नहीं।